गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुबह उठा था, उठ के मैं अपना फ़ोन चेक करता सुबह उठ के। तो आज मैं सुबह उठ के मतलब अपना फ़ोन चेक किया तो देखा कि 10-15 मेल आ रखा है मेरे फ़ोन में, नोटिफिकेशन आ रखा है। फिर मैं इंस्टेंटली चेक किया अपना ईमेल, तो मैं क्या देखा वो आपको दिखाता है, एक बार देखिए। मतलब ऐसा कुछ मेल मेरे नोटिफिकेशन में आ रखा था, तो तभी मैं समझ गया कि मतलब कुछ गड़बड़ है। और ये सेंड में देखिए, सारा का सारा ऐसे स्पैम मेल सेंड करके रखा है, लगभग 100 मेल है ऐसे सेंड हुआ है। और बस मुझे यही समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे हो गया। मेरा ये जो मेल है, ये मेरा YouTube वाला ही मेल है, मेरा जो YouTube चैनल है इसके साथ ही लिंक्ड है। और ये जो अकाउंट है, मैं अपने आईफोन और अपने डेस्कटॉप के अलावा कहीं भी मैं लॉगिन करके नहीं रखा, अभी तक मैंने कहीं पे लॉगिन किया नहीं है, ठीक है। और तो और इसमें अगर लॉगिन करेगा कोई तो उसका तो नोटिफिकेशन आना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं आया। साथ में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसमें जो है मेरा सेकेंड स्टेप भी ऑन किया हुआ है। और रिसेंट एक्टिविटी में मैं आपको दिखा दूँ, बस ये दो ही दिखा रहा है कि डेस्कटॉप में लॉगिन है, और ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पासवर्ड चेंज किया है ये दिखा रहा है, और कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। और इसमें अगर मैनेज डिवाइस पे मैं जाता हूँ तो ये एक डिवाइस है, एंड्रॉयड डिवाइस, जो कि ये वाला है। इसका लोकेशन मुझे इंडिया दिखा रहा है बस, और कुछ भी नहीं दिखा रहा। फाइंड डिवाइस पर जाता हूँ तो इसमें भी कुछ नहीं आ रहा। और ये जो टाइम दिख रहा है ना आपको, टाइम फास्ट साइन इन 24 अक्टूबर 2021, तो इसका क्या सीन है? मुझे जहाँ तक लगता है इस बंदे ने क्या किया, अपना फ़ोन का जो टाइम एंड डेट है इस टाइम का करके रखा है, पुराना टाइम का। क्योंकि मैंने अपना ये जो ईमेल है कभी भी किसी एंड्रॉयड में लॉगिन नहीं किया, मतलब ये जो अभी आपको नाम दिख रहा है ना, ये जो नाम दिख रहा है, इसका नाम मैंने अभी साइन आउट करके रखा है, तो उसका नाम टेक्नो आ रहा था, टेक्नो फ़ोन करके कुछ ऐसा आ रहा था। तो यही मुझे समझ में नहीं आया कि यही एक डिवाइस है जो थोड़ा सा सस्पिशियस मुझे लग रहा है। और मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में कि यार ऐसा गंदा गंदा मेल कौन सेंड करेगा। अभी सेंड करके मैं आपको एक मेल दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ लिंक वगैरह आ रखा है, ये कुछ लिंक ये सब आके रखा है बस, और कुछ भी नहीं है। अगर आप में से किसी को लग रहा है कि मैंने अपना जो अकाउंट का पासवर्ड है बहुत दिनों से चेंज नहीं किया था, तो इसी वजह से शायद हुआ है ऐसा लॉगिन वगैरह कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने दिसंबर में ही अपना पासवर्ड जो है चेंज किया था, तो उसका भी एक रीज़न है। उस टाइम पर मेरा जो अकाउंट है, जितना भी मेरा जीमेल अकाउंट है, सारा का सारा उसका पासवर्ड जो है डाटा ब्रीच में चला गया। मतलब मेरे पास मेल आया था जीमेल से, मतलब एक मेल आया था उसमें लिखा हुआ कि आपका जो पासवर्ड है सब कुछ डाटा ब्रिज में मिला है, तो इसी वजह से मैंने चेंज किया था दिसंबर में, तभी दोबारा ऐसा हुआ है। तो अगर आप में से किसी को पता है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, कैसे होता है, हैक हुआ कि नहीं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है इधर अभी, तो आप प्लीज़ एक बार बता दीजिए कॉमेंट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम में कि ये कैसे होता है, और आप में से किसी के साथ भी हुआ है कि नहीं, आपके जानकार किसी में से, तो वीडियो को आप शेयर कर दो सबके साथ, कि किसी ना किसी को तो पता ही होगा इसके बारे में। तो अगर पता होगा तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा, ताकि मैं अपना अकाउंट वगैरह जो है सेफ मतलब सिक्योर रख सकूं। बस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगर कुछ भी पता चले तो मैं आपको बाद में बताऊँगा।